नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल विक्को पे। दोस्तों बताना चाहेंगे आपको, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स के हवाले, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कवर करने वाला हूं और मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस तरह के कुछ लाल बटन आपको दिख रहे होंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे उसके राइट साइड कॉर्नर में, और वहां पर आप इसको सब्सक्राइब दबाइएगा। सब्सक्राइब जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे रेड कलर जो है उसका डिसअपियर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जो ईपीएस 95 पेंशन्स के हवाले दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको बता दें कि माननीय श्री विजेश जी उपाध्याय के महामंत्री बीएमसी द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के ऊपर उन्होंने कहा था कि पेंशनर्स को देने वाले ईपीएफओ के पास पैसा नहीं है। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने प्रतिक्रिया एवं निंदा जो है निंदा किया है, तथा साथ साथ अपना प्रतिक्रिया भी दिया, एक उन्हें लेटर भी लिखा है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। लेटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ईपीएस नेशनल एविएशन कमेटी के द्वारा है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ईपीएस 95 जो है उसके बाद है ऑनरेबल ब्रजेश जी उपाध्याय के हैं, जनरल सेक्रेटरी बीएमसी एंड मेंबर ऑफ सीबीटी ईपीएफ न्यू दिल्ली के हैं। आपको बता दें कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि विड्रॉइंग ऑफ इनरिस्पॉन्सिबल एंड एंटी वर्कर्स एंटी पेंशनर स्टेटमेंट। तो जो इसमें उनसे रिक्वेस्ट किया गया वो है उनके जो उन्होंने अपना विवादास्पद बयान दिया था वर्कर्स के खिलाफ और पेंशनर्स के खिलाफ, जो कि 2 अप्रैल 2019 को दिया था उन्होंने, तो उसको वापस लेने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है अशोक राव जी द्वारा, ऑनरेबल सर, मैं आपको विस्तृत बताता हूँ, मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में अपडेट दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड एसएलपी ऑफ ईपीएफओ अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला, द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन द फेवर ऑफ पेंशनर्स एंड वर्किंग एम्प्लॉय। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पेंशनर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्कर हैं उनके फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है उसके बारे में विवरण किया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको बता दें कि इट इज़ शॉकिंग टू नो योर व्यूज ऑन द अबव डिसीजन, यू कमेंटेड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। यू ऑल्सो मेंशन दैट द ईपीएफओ'स फंड विल नॉट लास्ट मोर देन 4 years इफ द डिसीजन इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर उनके जो स्टेटमेंट थे जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है ईपीएफओ पेंशन देगी तो 4 साल के अंदर ही पेंशन जो है फंड खत्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट गवर्नमेंट के सपोर्ट के। ऑनरेबल सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर पेंशंस इन बीएमसी एंड सीबीटी वी वुड लाइक टू स्टे द फॉलोइंग। उसके बाद ऑनरेबल उन्होंने बताया हुआ कि सर पेंशन के बारे में बीएमसी और सीबीटी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो स्टेटमेंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, द ईपीएफओ इन देयर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश द 6 जनवरी 1996 प्रॉमिस टू पे 27,000 एज अ पेंशन आफ्टर 40 ईयर सर्विस। तो 6 जनवरी 1996 के अपडेट एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ईपीएफओ ने प्रॉमिस किया था कि 27,000 रुपये पेंशन जो है 40 साल के सर्विस के बाद दिया जाएगा। द सेम पेंशन वॉज पेड टू बी टू द स्पाउस आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके जो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे जो स्पाउस रहेंगे उनको भी वही पेंशन दिया जाएगा। इट वॉज ऑल्सो प्रोमिस्ड इन द एडवर्टाइजमेंट दैट ₹20,27 lakhs वुड बी रिपेड टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑन द डेथ ऑफ स्पाउस। तो यहाँ पर बताया गया था कि अगर स्पाउस की डेथ के बाद करीब 27 लाख रुपये जो है दिया जाएगा, यहाँ पर ये मैंशन किया गया ई पी एफ ओ के द्वारा, ये 6 जनवरी 1996 का एडवर्टाइजमेंट है। अब यहां पर देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है, इन द ईयर ऑफ 2008 द क्लॉज ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल वाज विड्रॉल, और यहां पर बताया गया अनफेयरली बाय द ईपीएफओ, और यहां पर बताया गया 2018 में ये जो क्लॉज था उसे विड्रॉल कर लिया गया है ईपीएफओ द्वारा। देयरफॉर द आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ आरओसी हैज बीन टोटली स्टॉप्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आप कैसे स्टॉप हो गया, जो फ्लो था वो स्टॉप हो गया। इन द ईयर ऑफ 2014 द कंट्रीब्यूशन हैज बीन इंक्रीज्ड जी हाँ। तो सेकंड पॉइंट हम लोग अगर देखते हैं तो इन द ईयर ऑफ 2014 क्लॉज ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल वाज विड्रॉल, तो यहाँ पर बताया गया है
आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर ऑफ 2014 द कंट्रीब्यूशन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 541 टू 1250 विच इज मोर देन डबल। तो यहाँ पर 2014 में जो ईपीएफओ द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में बताया गया है। एज पर आरटीआई ऑफ मार्च 2014 इट वाज रिवील्ड। अब देख सकते हैं कि आरटीआई के जो है 2014 में ये रिवील्ड किया गया था कि इसमें जो टोटल पेंशन देन करीब 47 लाख और टोटल ईपीएस फंड देन 2,08,000 करोड़ और टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन द फंड एनुअली करीब टोटल 17,500 करोड़। टोटल पेंशन डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली 5,500 करोड़। तो यहाँ पर पेंशन के बारे में विवरण बताया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पैराग्राफ में है, जिसमें हर आरटीआई के हिसाब से 2014 का आरटीआई निकला हुआ था उसके हिसाब से बताया गया जो टोटल पेंशन है करीब 47 लाख है। और आप देख सकते हैं कि ईपीएस जो पेंशन फंड है वो 2,08,000 करोड़ करीब अप्रॉक्सीमेट है। द इंटरेस्ट उस पर जो आपने अर्न किया वो 17,500 करोड़ रुपये है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो पांचवा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं फ्रॉम द आरटीआई अबव, फ्रॉम द अबव आरटीआई इट सीन द पेंशन डिस्ट्रीब्यूटेड इज लेस देन 1/3 ऑफ द इंटरेस्ट अर्न ऑन द पेंशन फंड। ऑल्सो सीन देन द पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन इज मोर देन डबल। यहाँ पर पेंशन फंड जो कंट्रीब्यूट किया गया वो मोर देन डबल है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ईपीएस मेंबरशिप एंड देयर फोर इट इज इनकमिंग फंड। ऑल्सो आउटफ्लो हैज बीन ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड इन द इंटरेस्ट हैज बीन इंडिफिनेटली इंक्रीज्ड एज द फ्लो इज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो पेंशन फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो करीब 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है जब से वो जमा किया गया है ईपीएस जो पेंशन है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये अशोक राव जी कि क्यों जो है ब्रिजेश उपाध्याय जी के बातों को लिए निंदनीय बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो डेटा दिया हुआ है वो आरटीआई के हिसाब से सुटेबल नहीं है। आरटीआई के हिसाब से पेंशन फंड अवेलेबल है ईपीएफओ के पास, हालांकि उनका जो रिप्लाई आ रहा है वो आ रहा है कि ईपीएफओ के पास पेंशन फंड नहीं है पेंशनर्स को देने के लिए। इट इज़ देयर फॉर ओपन यहाँ पर दैट द स्टेटमेंट विच इज टोटली बेस्ड ऑन इन मोटिवेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेंस्ट द ईपीएस मेंबर्स द पेंशन मस्ट बी विड्रॉल इमीडिएटली अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू नो चॉइस एगेट अगेंस्ट यू। दिस एटीट्यूड इज पोलाइटली सॉरी दिस एटीट्यूड ऑफ द पोलिटिकली मोटिवेटेड सीबीटी मेंबर्स हैड ऑलवेज हार्म्ड द इंटरेस्ट ऑफ पुअर पेंशनर्स। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अशोक राव जी कहते हैं कि आप अगर अपने विड्रॉल नहीं करते हैं, जो स्टेटमेंट आपने दिया हुआ है वो गलत स्टेटमेंट है और वो हम सभी जो पेंशनर्स हैं वो इसके हिसाब से फिर आगे जो है EPS 95 पेंशनर्स जो हैं प्रदर्शन आपके खिलाफ करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है एक आपकी तरफ से स्टेटमेंट है। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टडी द इश्यू फर्दर इन डिटेल्स एंड फीड द करेक्ट इनपुट द ऑथराइज कंसर्न। दिस विल गो लॉन्ग वे टू मेंटेन वर्क ट्रस्ट यहाँ पर योर एस्टिमेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द BMMC। तो यहाँ पर बताया गया कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको फर्दर जो है स्टडी करिए। डिटेल जो है, जो इन्फॉर्मेशन आपने जो आपने दे दिया है वो गलत है। जो अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से आपको फर्दर डिटेल के, उसके बाद एक ट्रस्ट हमारा आपके ऊपर बनेगा जो BMMC की तरफ से भी बनेगा और हमारी तरफ से भी एक आपकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट लोगों का बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्म रिगार्ड है, योर फेथफुली है कमांडर अशोक राव जी हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं जो कि NSE के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दूसरी जो अपडेट आपके लिए आपको बताते आ रही है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है अपडेट, ये जो लेटर लिखा गया हुआ है, ये लिखा गया हुआ है अशोक राव जी द्वारा और ये है BMMC के जो महामंत्री हैं उनको, ब्रिजेश उपाध्याय जी, जिन्होंने आपको बता दिया कि 2 अप्रैल को स्टेटमेंट दिया था कि ईपीएफओ के पास इतना फंड नहीं है जिससे कि वो पेंशनर्स जो हैं, जो उनकी बढ़ी हुई पेंशनर्स है उसकी पेमेंट कर दे। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी, आने वाले समय में अभी अपडेट इससे निकल के आ रही है। आपको बता दें कि इसके बाद NSE ने डिसाइड कर रखा है अपने आगने वाले फ्यूचर जो भी एजेंडा है, जो भी उसके हिसाब से जो भी विरोध प्रदर्शन करना है, जो भी आंदोलन होंगे उसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी देता हूँ।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक फैल सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कोई भी जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे मिस ना होने पाए। हम बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।